उसके उस पर वो नहीं करते भैया, ये देश सबका है, असा कुर्बानी दिए है, समझे, किसी का देश नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होगा, इंडिया को और पीछे ले आएंगे राष्ट्र राष्ट्र करके। अरे ये मोदी राज में ना ये बात तो समझे नहीं आई कि हिंदुओं को खतरा है, जबकि हिंदू की आबादी 80% हिंदुस्तान में, 80 लोग और एक तरफ 20 लोग, खतरा किसको हो सकता है? आम आदमी को मुद्दे से भटकाना है, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, हिंदू मुसलमान तो ये और वो, इनका मकान तोड़ना, उनको अंदर करना। भारत देश को ना कभी खतरा था ना रहेगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, अरे हम इसको मानते ही नहीं ना, वो तो जिसको जो कहना कहता रहे, भारत देश सबका है भैया, चाहे किसी एक जन का नहीं है, समझे, सब इसमें सब कुर्बानी दिए हैं। हमेशा हिंदू ही मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके जीत रही है वो चुनाव को, उसको ये मुद्दा ही बना के चुनाव जीत रही है वो। लगातार हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र आप बनाओ कोई बुराई नहीं है ना, आप अक्सर वो अक्सरियत में हो, आप लोग 75% हो, 80% हो, मुसलमान 20% है, राज बना सकते हो, तुमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ जीने का हक दो, मुसलमानों को भी तो कुछ जीने का हक दो। अब जो लगातार पिछले कुछ वर्षों से हिंदू राष्ट्र की एक बात चल रही, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग उसके उस पर वो नहीं करते भैया, ये देश सबका है, असा कुर्बानी दिए हैं, समझे, किसी का देश नहीं है, न हिंदू राज न मुस्लिम राज, ये देश सबका है, उसमें किसी का वो नहीं है, सब कुर्बानी दिए हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होगा, इंडिया को और पीछे ले आएंगे राष्ट्र राष्ट्र करके, है कोई मुद्दा, है कोई, आप अभी इस जगह पे खड़े हो, आपको ऑफिस में बैठना था, फुटपाथ पे नहीं करते है ना, मैं अपने कारोबार में आज आती हूँ, इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी दीदी, नहीं थी ना, आज से 10 साल पीछे चला, 20 साल पीछे चले, सब आदमी कारोबार कर रहा था, 2-3 रुपए कमा रहा था, आज सब जनता बेकार है, उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये विपक्ष नपक्ष हिंदू मुसलमान तो ये वो, भैया ये उद्योगपति की सरकार है, जिसको चाहेगा उसको अंदर कर देगा, अपनी है, बस नहीं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के मुख्य मुद्दों से भटकाने, जी जी जी, उस मैन व्यक्ति जो है आम आदमी को मुद्दों से भटकाना है, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, हिंदू मुसलमान तो ये और वो, इनका मकान तोड़ना, उनको अंदर करना, आप सच बोलोगे आप अंदर चले जाओ, ये कह हिंदू राष्ट्र बनता है तो फायदा क्या राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि आप कोई अच्छा काम करो पब्लिक के लिए, ये राष्ट्र तो है, अब इसमें कौन सा नया राष्ट्र बनाना, एक बेहतर राष्ट्र है, इतना अच्छा राष्ट्र है जो सदियों से चला आ रहा, अब इसमें रद्दो बदल करो आपका क्या होगा, आज जो समझ में आया वो घुस के मार के चला जा रहा, क्या है भैया, बस हो गया। और खतरा किससे है, जो तो जो एक राजनीतिक गलियारों में ये बात चलती है कि हिंदुओं को खतरा है, खतरा किससे है यार, देश में अभी तक तो हम 70 वर्षों से एक साथ जैसे रह रहे थे, कोई खतरा नहीं था, तो ये जो खतरे की आवाज उठती है तो इसके पीछे का क्या कारण है? अरे ये मोदी राज में ना ये बात तो समझे नहीं आई कि हिंदुओं को खतरा है, जबकि हिंदू की आबादी 80% हिंदुस्तान में, 80 लोग और एक तरफ 20 लोग, खतरा किसको हो सकता है, लेकिन ये उल्टा बताते हैं, ये भाजपा जो है ना यही काम करती है हमेशा उल्टा काम, अरे अच्छा उल्टा काम में कामयाब भी होती है वो, कामयाबी के पीछे का कारण क्या मानते हैं? उल्टा सीधा बोलना लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इसी में कामयाब है भाजपा, एक गलत तरीके से चीजों को पेश करके कन्वर्टेड करना, डाइवर्टेड करना मुद्दों को, इस वजह से आप क्या मानते हैं, जो तो जो ये मांगे चलती हैं, जो राजनीतिक गलियारों से आवाजें आती हैं, तो इन चीजों को लेकर के जिसकी मांग चलती है, कौन सी मांग चलती जैसे है, जैसे हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, अरे हम इसको मानते ही नहीं ना, वो तो जिसको जो कहना कहता रहे, भारत देश सबका है भैया, चाहे किसी एक जन का नहीं है, समझे, सब इसमें सब कुर्बानी दिए हैं, ये किसी का देश, ये कोई कहे कि हमारा है तो ये सब गलत बात है, भारत मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई सब सब हाँ रहते हैं ना, हम लोग के यहाँ तो देखो ना, अभी हमारे यहाँ पे अवतार का टाइम हो रहा, 20 ठेले वाले खड़े हैं, 19 ठेले वाले ये गैर मुस्लिम ही है, हम लोग उनसे सामान ले रहे हैं ना, काय को ले रहा है, हम आपस में जो हम लोग के दिमाग में ये सब नहीं है,
ये जिसको राज करना है ना वो हिंदू मुस्लिम करे, हम लोग को जो तो पैदा की जा रही है पिछले कुछ वर्षों से लगातार। हाँ ये सिर्फ अपने फायदे के लिए। आप क्या मानते हैं इस विषय को लेकर के, जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है या किसी एक धर्म को खतरे के बारे में बताया जाता है इन चीजों को लेकर के? भारत देश को ना कभी खतरा था ना रहेगा, ये तो वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा हिंदू ही मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके जीत रही है वो चुनाव को, उसको ये मुद्दा ही बना के चुनाव जीत रही है वो। देश को कुछ किसी से खतरा नहीं है ना कभी, यहाँ हिंदू राष्ट्र होगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई आपस में, और देश में अमन चैन बना रहता है। उसको बिगाड़ने के लिए हिंदू मुसलमान को किया जाता है, ये तो एक वोट की राजनीति के लिए किया जाता है, नहीं ये कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा ना कोई जोर राष्ट्र है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ भाईचारे सब संभव, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन देश हमारा भारत है, जहाँ जितनी भाषाएं हैं जितनी जातें हैं यहाँ दुनिया में कहीं नहीं है, ये तो ऐसा देश है दुनिया का सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत देश, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग बोलियां हैं लोगों की, अलग अलग धर्म हैं, सब अपने ढंग से हर आदमी कार्य करता है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, मगर वोट की राजनीति के लिए ये सब दंडफन फैलाया जाता है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा अमन शांति का देश है ये, और हमेशा रहेगा, जैसा है ऐसे ही रहेगा ये।